Good morning, my dear students. Today we will discuss here chapter number 9 in GK together. And chapter 9 is Great Reformers, which is on page number 12. Look at the picture number 1. Here are the six pictures of some reformers, and you have to find out their name. फर्स्टली यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ रिफ़ॉर्मर्स रिफ़ॉर्मर मीन्स क्या होता है कि पहले क्या होता था क्योंकि हमारे देश में जो थे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे अनपढ़ थे तो उसके साथ साथ भी क्या था कि बहुत सी कुरीतियाँ हमारे समाज में थी तो जो रिफॉर्मर्स आए उन्होंने क्या सोचा समाज को सुधार सुधारने की सोची कि हमारे सु... हमारे जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको हम कैसे सुधारें तो उनमें से कुछ रिफॉर्मर्स के हैं यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं और उनके आपको नाम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनका नाम भी और उन्होंने किस तरीके से अपने समाज में फैले हुए बुरे बुरे कुरीतियों को उन्होंने ख़त्म किया था look लुक एट दिक्चर नंबर वन लुक ऐट दिक्चर नंबर वन हेयर इज द पिक्चर ऑफ founder of the आर्य समाज आर्य समाज के जो founder थे वो थे दयानंद सरस्वती और इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर मूल शंकर अंबाशंकर और ये क्या थे इंडियन फिलोसफर सोशल लीडर एंड फाउंडर ऑफ समाज थे। अब सेकंड सेकंड जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं सेकंड रिफॉर्मर्स जो हैं वो हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय और इन्होंने फाउंड किया था ब्रह्म समाज को और इनके टाइम पर कौन सी बुरी कौन से जो बुरी कुरीति थी वो कौन सी थी हमारे समाज में वो थी सती प्रथा इन्होंने उसको ख़त्म किया था अब वो सती प्रथा क्या थी कि सती प्रथा में क्या होता था कि जब भी किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी तो जो वाइफ होती थी वाइफ भी उन्हीं के साथ में जल के मर जाती थी अब उनके मन में ये कब आया कि एक बार की बात है कि जब वो कहीं बाहर गए थे विदेश के टूर पे थे वो जब घर वापस लौटे तो उनके भाई की डेथ हुई थी और उनके जो गांव वाले थे पूरे समाज के लोग थे उन्होंने क्या किया कि उनकी जो वाइफ थी उसको घसीटते हुए उनके चिता तक ले गए और उनको भी जिंदा उसमें जला दिया था जिससे कि उनको जिसको देख करके कि राजा राम मोहन रॉय का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने उस दिन एक डिटर्मिनेशन किया अपने अंदर कि मैं इस बुरी कुरीति को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा इज कबीर दास ये ग्रेट रिलीजियस प्रीचर रिलीजियस प्रीचर प्रीचर मीन्स होता है कि जो उपदेश देते हैं अच्छे वचन देते हैं प्रवचन सुना करके क्या करते कहते हैं ना कि जो मन का मन का जो टॉनिक होता है वो हमारे क्या होते हैं प्रवचन ही होते हैं तो दास जी जो थे वो एक रिलीजियस प्रीचर के रूप में ही हमारे समाज में आए और इनका जन्म जो है इनका जन्म एक जो वेबर्स थे जुलाहा जिनके लिए कहा जाता है उनके घर में हुआ था कहते हैं कि ये उनके अपने बेटे नहीं थे ये उनको कहीं पर मिले मिले थे और उन्होंने क्या किया था उनके कोई अपनी अपने बच्चे नहीं थे उन्होंने फिर इनको पाला था नाउ पिक्चर नंबर फोर एंड दैट इज़ एंड ही इज़ गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिख फेत ये जो थे पहले गुरु थे जो सिखों के कितने गुरु हुए हैं दस गुरु हुए हैं उनके पहले गुरु कौन थे गुरु नानक ही थे और गुरु नानक जी का जो बर्थडे है आज भी जो सिख लोग हैं वो कैसे किस रूप में मनाते हैं गुरु पूर्व के रूप में उसको मनाते हैं कहते हैं कि गुरु नानक जी जो थे वो बचपन से ही बहुत ही दयालु थे और गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वो है नानकंज साहिब जो कि अभी कहाँ है पाकिस्तान में है और उनका एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर आई हैव टॉट यू ऑलरेडी एंड इन पिक्चर नंबर फाइव ही इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ही वाज अ ही वाज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हु वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ विडोज़ इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वेस्ट बंगाल में और और 1820 में उनका बर्थडे हुआ था और वो क्या थे एक राइटर भी थे फिलसफर थे स्कॉलर थे और एक अच्छे एडुकेटर भी थे और जो जब क्या था जब ये एंड ही वॉज़ मोस्ट प्रोमिनेंट कंपेनर फॉर हिंदू विडो रिमेरिज जो उन्होंने देखा कि हमारी सोसाइटी में क्या था कि गर्ल्स को पहले पढ़ाया नहीं जाता था जब उनको नहीं पढ़ाया जाता था वो तो उन्होंने ये कंपेन चलाया कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता है उन्होंने गर्ल्स को आगे करने के लिए बहुत से उन्हीं के नेतृत्व में बहुत से स्कूल्स भी खोले और कहाँ कोलकाता से ही उन्होंने स्टार्टिंग की क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे ठीक पहले क्या होता था कि बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और कईयों के क्या होते थे बहुत बड़े हस्बैंड होते थे वो क्या हो जाते थे उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी और उन लड़की वो लड़कियाँ पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहती थी तो उन्होंने क्या कहा क्या कहा कि उन उनकी जो क्या है रिमैरिज होनी चाहिए तो इस प्रकार से विडो रिमैरिज की कंप्न किसने शुरू की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एंड इन द लास्ट ही इज स्वामी विवेकानंद एंड ही वाज फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन और जो स्वामी विवेकानन्द थे उन्होंने कौन सा मिस, कौन सा मिशन को फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन को रामकृष्ण मिशन उनके गुरु थे उन्होंने अपने गुरु के नाम से ही अपने मिशन को चलाया था और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1863 में और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था सो स्टूडेंट्स यू विल राइट द नेम ऑफ ऑल द रिफॉर्मर्स एंड थैंक यू